समाज के हर वर्ग के दुख दर्द से सरोकार रखने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को एक वरिष्ठ पत्रकार एवं एक वरिष्ठ अधिवक्ता के घर जाकर उनके दिवंगत परिजन को श्रद्धांजलि दी। दिवंगत की आत्मा को प्रभु चरणों में स्थान देने की प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त घर वालों को ढांढस बताया। गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात करने के बाद मुख्यमंत्री हरिहर प्रसाद दुबे मार्ग बेतिहाता स्थित वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रकाश मिश्रा के आवास पहुंचे। श्री मिश्रा के अग्रज ओम प्रकाश मिश्रा का शुक्रवार को निधन हो गया था। मुख्यमंत्री ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। परिजनों से मुलाकात कर दुख की घड़ी में साथ देने का सांत्वना दिया। इसके बाद सीएम योगी तारामंडल सिद्धार्थ इनक्लेव स्थित वरिष्ठ पत्रकार राजीव ओझा के आवास पर गए। श्री ओझा के पिता श्री शंकर दयाल ओझा का 20 जनवरी को निधन हो गया था। मुख्यमंत्री ने उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सीएम योगी ने राजीव ओझा समेत सभी परिवारजन से मुलाकात कर कुशलक्षेम जाना और सांत्वना देते हुए कहा कि हार्दिक पीड़ा की इस घड़ी में वह उनके साथ हैं। मुख्यमंत्री ने वहां मौजूद वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राजेश कुमार से स्मृति शेष शंकर दयाल ओझा के चले इलाज की भी जानकारी ली। वो उस दिन जो पीए सिस्टम लगा था आपके वहाँ किसका लगा था? महाराज जी, महाराज जी, आप गाड़ी में बैठिए, थोड़ा सेक्रेटरी है जी, नोट करें, जाना था हमको ये।
कोई बात क्या पारिवारिक समस्या थी, एक गमी हो गई थी, उसी में महाराज पुछारों में आए थे और उन्होंने सबको ढाड़स बनाया बधाया कि भाई आज संयम से काम लीजिए, ये तो प्रकृति का वो है जो पैदा हुआ उसको मरना है, यही सब कहें और सबको सांत्वना दिए जीवन बिताने के लिए। बच्चों से भी मुलाकात की है महाराज जी? हैं, आपके घर के बच्चों से भी मुलाकात? हाँ, बच्चों से मिले, पूरे परिवार के साथ बात किए, सबको साथ फोटो खिंचवाए और सबको सुख शांति से रहने के लिए आशीर्वाद दिए।